प्रोटॉन पे ये प्लस चार्ज पे बोला जाएगा कि प्रोटॉन है तो ये गलत है। प्रोटॉन कभी भी एक एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ, प्रोटॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में कभी नहीं जाते हैं, हमेशा क्या स्थानांतरित होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके बारे में अब फिर डिटेल से आपको मैं बता रहा हूं आगे। ये देखिए प्रोटॉन होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये देखिए कि देखिए सपोज दैट ये एक दो मेटल है, ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, ये है लोहा, लोहा है, ये तांबा है। ठीक ना, ये है लोहा, ये मान दो अलग अलग मेटल ले लो। ये सपोज दैट कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, जिंक है। सपोज दैट मानो कि इसमें पहले से 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन पहले से इसमें था। ठीक ना, और इसमें पहले से 15 इलेक्ट्रॉन था। ठीक, इसमें पहले से 10 इलेक्ट्रॉन था, इसमें पहले से 15 इलेक्ट्रॉन था। अब इसको क्या काम करेंगे हम, किसी भी मत तीन, इसका घर्षण चार्जिंग का तीन कंडीशन होता है, वो कंडीशन आपको मैं बताऊंगा। पर्सनली आप इतना ये समझिए कि अगर सपोज दैट इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन इसमें था, अब क्या होगा कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर गया इस पे, तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस पे पहले कितना था, 10 था इलेक्ट्रॉन, अब कितना हो गया, 8। इस पे पहले कितना था, 15, अब कितना हो गया, 17। अब ये बोलेगा कि नहीं, मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन था, हमको 15 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, न उससे कम चाहिए न उससे ज्यादा चाहिए, मुझे जितना था उतना ही चाहिए। और ये कहेगा कि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन था, मुझे 10 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, न उससे कम चाहिए न उससे ज्यादा चाहिए। अब सब ये कहेगा, अब ये इसके पास तो 2 कम ही हो गया, अब इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास पहले था कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये कहेगा कि नहीं, मुझे 10 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 को इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा ताकि मेरे पास जितना पहले से था उतना लेकर हम स्थिर हो जाए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहेगा, आपस में क्या करना चाहेगा, जोड़ना चाहेगा, और ये क्या करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन घटाना चाहेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, संख्या कम हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, अधिक हो गया। इसका क्या का नाम था कि पहले से मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन था, 15 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, और इसका का नाम क्या था कि नहीं, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन था तो 10 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गई थी इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा माने एन हो जाएगा। ओके, और इस पे जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो इस पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे प्लस क्यों आ गया, इस पे माइनस क्यों आ जाएगा। अब ये भी अपना एक क्षेत्र बनाएगा, ये भी एक क्षेत्र बनाएगा, ये भी अपना क्षेत्र बनाएगा, इतना क्षेत्र बनाएगा कि उस क्षेत्र के भीतर कोई भी अगर मेटर, कोई भी अगर चार्ज को रख दिया जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा, दे देगा, और ये न्यूट्रल हो जाएगा। और ये अपना क्षेत्र इसलिए बनाएगा क्योंकि उसके बीच में कोई मेटल आ जाए तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए दोनों अपना अपना एक क्षेत्र बनाएगा जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र बनाते हैं। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्षेत्र किस टाइप से होगा और इसके लिए किस टाइप से होगा, इसके लिए क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर।